गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें तीन डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म, जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसमें सिंपल फॉर्म होता है। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट द मेयर एक्सटेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट। इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज मेड। इसमें सिंपल फॉर्म होता है और इसमें किसी के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं होता, मींस बराबर किसी के साथ इसको नहीं रखा जाता है। तो सेकंड आता है कंपैरेटिव डिग्री। तो द कंपैरेटिव डिग्री इज एन एडजेक्टिव डिनोट्स ए हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव एंड यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और सेट ऑफ थिंग्स और कंपेयर्ड एज। तो कंपैरेटिव डिग्री जो है इसमें हायर डिग्री देखी जाती है, लेकिन किन में? दो चीज़ों को हम लेते हैं, और चाहे दो चीज़ें हों, दो इंसान हो, कोई भी दो चीज़ों का सेट हम लेते हैं और उनमें उन दोनों को कंपेयर करते हैं कि कौन कैसी है, यानी कि क्या वो दोनों बराबर हैं या दोनों में से कोई ना कोई डिफरेंस है। तो इनमें हम कंपेरेटिव डिग्री का एग्जांपल बताते हैं। जैसे यहाँ पे दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट, जैसे यहाँ बताया है कि ये लड़का जो है उससे स्ट्रॉन्गर है, तो ये इसकी एक एग्जांपल है। यानी कि स्ट्रॉन्ग जो, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर कंपेरेटिव डिग्री में आ रहा है, तो बताया ये लड़का जो है उससे ताकतवर है, स्ट्रॉन्गर है। तो लास्ट जो है, एप्पल्स आर डियरर देन ऑरेंज, तो यहाँ पे बताया है कि जो एप्पल्स हैं वो ऑरेंज से ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसी तरह से अब थर्ड डिग्री जो है सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो इस सुपरलेटिव डिग्री जो मैं आपको पढ़ने जा रही हूँ, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाइस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी एंड यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स और सेट ऑफ थिंग्स और कंपेयर्ड एज। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि दो चीज़ों की आपस में बराबरी देखी जाती है, यानी कि उनका कंपेयर किया जाता है, दो चीज़ों की आपस में कंपेरिजन होता है कौन कैसा है। लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें हम दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपेरिजन करते हैं, यानी कि दो का भी कर सकते हैं और दो से ज़्यादा का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, दिस बॉय इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, यहाँ पे बताया था कि ये लड़का उस लड़के से स्ट्रॉन्गर है, यानी कि इस लड़के की तुलना, इसकी बराबरी दूसरे लड़के के साथ की थी और ये दो ही थे, यानी कि दो की आपस में तुलना की गई थी। लेकिन यहाँ पे बताया है कि ये जो लड़का है क्लास में, होल क्लास में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो यानी कि यहाँ पे इसमें EST लगता है। तो EST होता है कि जो सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी रखता हो, तो ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो आज का इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।